पावन त्यौहार तो इस तरह से बहुत ही शख्सियतें हैं जिनके बारे में हमें जानना पड़ेगा।
लेकिन इन दिनों में क्योंकि वहाँ भी मजलिस चल रही है और वहाँ से हजरात जो है जब तक आए तो इसलिए हमने एक छोटा सा मौजू निकाल लिया 7 से 8 मिनट का, वो इसलिए कि जब तक वो लोग आए और अपने मौजू को हम शुरू करें तो इस बीच में हमने उन चीज़ों को भी जो हम लोग उड़ती हुई मतलब कि सुना करते थे कि भाई ऐसा है, अस्सलातु खैरु मिनन नौम नहीं है, हय्या अला खैरिल अमल है, दो नमाज़ों को मिला करके पढ़ना हमारे यहाँ सही है, अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ दो नमाज़ों को मिला के पढ़ना बिल्कुल जायज़ ही नहीं है, रोज़ा रखना उनके यहाँ सफ़र में जायज़ है, हमारे यहाँ नहीं है, हम उसको कसर कर सकते हैं, नमाज 4 की 2 रकत पढ़ सकते हैं। तो ये सब हम सुना तो करते थे, मगर अगर कोई पूछ ले कि भाई किस किताब में है, वो भी ख़ासकर अहले सुन्नत की किताबों का, तो फिर मसला हो जाएगा। और जाहिर सी बात है वो आपका काम नहीं है, बहरहाल हम तो बहुत छोटे हैं, ये हमारे उलमा का काम है, उनकी मेहनतों से हम फ़ायदा उठा रहे हैं और वो सारे रेफरेंस जो है वो हम आपकी खिदमत में दे रहे हैं। अब चूंकि आज शब शहादत है शहजादी का, लिहाजा जिक्र वही होना शहजादी का, लेकिन बात वही है कि लोग आ जाएँ और मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करूँ। इस दरमियान में आज हम आपकी खिदमत में ये बात पेश करेंगे कि मुसलमानों के बहुत से फ़िरक़े में ये जो कहा जाता है कि रोना बिदअत है, रोना बिदअत है और मुर्दे पर नहीं रोना चाहिए, तो मुर्दे पर रोना सुन्नत है या बिदअत है, एक सवाल। मुर्दे पर रोना सुन्नत है या बिदअत है, ये एक सवाल हुआ। अगर बिदअत है तो किसने करार दिया, देखिए बाप बिना नाम लिए पहुँच रहे होंगे। अगर मुर्दे पर रोना और शहदा पर रोना और जिंदों का मातम करना अगर बिदअत है तो किसने करार दिया, और अगर सुन्नत है तो जाहिर सी बात सुन्नत रसूल। लिहाजा आज कुछ अहम तारीखों से कुछ किताबों का निचोड़ है रेफरेंस के साथ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आवाज़ बुलंद नारे सलवात का आप नजराना पेश करें। तो आज का जो हमारा ख़ास मौजू है वो ये है फ़िलहाल कि मुर्दे पर रोना मुर्दे पर सुन्नत रसूल है, बिदअत नहीं है। अब पहले ही हेडिंग सुन करके हमारे बहुत से बिरादरान जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो तो क्या बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं बिदअत है, नहीं रोना चाहिए, इससे मुर्दे को तकलीफ़ होती है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो हमने सुना वो हम पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने सुना वो कह रहे हैं। इसलिए कि उनके यहाँ आप देखिए रोज़े जुमा उनका खुतबा अगर उठा करके आप सुने, या उस इलाके में चूँकि हमारा उस इलाकों में रहना हुआ, चारों तरफ उन्हीं की मस्जिद है, घूम फिर करके जितना जिक्र होगा वो सहाबा का जिक्र होगा। तो जब अहले बैत का जिक्र ही नहीं होगा तो वो क्या समझेंगे कि सुन्नत क्या है और बिदअत क्या है। लिहाजा जो सुनते हैं वो बेचारे वो कहते हैं, उनकी उसमें कोई गलती नहीं, गलती उनकी है जो उनके उलमा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब आइए पहली हेडिंग के तौर पर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, मुर्दे पर रोना जो है वो सुन्नते रसूल है जिसे हजरत उमर ने हराम किया। फिर वही बात जो मैं हर रोज कह रहा हूं कि हम शरीयत दीन सुन्नत जो कुछ भी है वो हम हुजूर से लेंगे, हजरत उमर से नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि ये साहिब शरीयत हैं, ये साहिब किताब हैं, कुरान ये लेकर के आए, शरीयत मुहम्मदी इनकी है, लिहाजा अल्लाह जिनके ऊपर फरिश्ते को भेज करके वही के जरिए पैगाम पहुंचा रहा, हम वहां से पानी भरेंगे, हम पानी उतनी दूर जाकर के नहीं भरेंगे कि पानी गंदा हो जाए, बस मैं इशारा दे रहा हूं। अब आइए ये जो हमारे बिरादरान कहते हैं कि नहीं मुर्दे पर नहीं रोना चाहिए इसलिए कि उसको तकलीफ होगी, हुआ क्या था? हुआ ये कि हुजूर गुजर रहे हैं, सहाबा भी साथ साथ में है और ये भी साहब थे, इतने में क्या देखा कि एक यहूदी का जनाजा दफन किया जा रहा और घर वाले रो रहे हैं। अब जाहिर सी बात आदमी मरेगा तो रोएगा। हुजूर ने फरमाया देखो ये लोग इधर लोग रो रहे हैं, अब इनको क्या मालूम कि उस पर अजाब नाजिल हो रहा है। ठीक, हुजूर ने यह कहा लोगों के दरमियान में कि भाई ये जो औरत पर लोग रो रहे हैं इस पर अजाब नाजिल हो रहा है और लोग रो रहे हैं। अब यहां से खलीफा दोवम उमर ने नतीजा ये निकाला कि मुर्दे पर अगर कोई रोएगा तो जैसे जैसे रोने की आवाज बढ़ेगी उस पर अजाब बढ़ जाएगा। सही है तो हम मान लेंगे,
और अगर नहीं फिट रही हो तो कितनी भी सही किताब में हो हम नहीं मानेंगे। ठीक भाई, कुरान में मैं इशारा देता हूं, ये तो बात मुर्दे की कर रहे हैं लोग। क्या जनाबे याकूब को यह नहीं मालूम था कि उनका बेटा यूसुफ जिंदा है, बस निगाहों से ओझल है? अगर आप कहें नहीं मालूम था तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो पूरी दुनिया का मुसलमान क्या कहेगा कि नहीं भाई मालूम था, गए भेड़िए से भी पूछा, उन्होंने कहा या नबी अल्लाह हम भेड़िए जरूर है लेकिन हम जानते हैं कि नबी ज़ादा कौन होता है, हम नबी ज़ादे पर हमला नहीं करते, वो कितने गए गुजरे भेड़ियों से बदतर है जो नबी की आल पर हमला करते हैं। तो जनाब यूसुफ और जनाब याकूब के इस वाक्य से पूरा सूरह यूसुफ उठा करके पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मरने की तो बात दूर की है, जनाब यूसुफ जिंदा है और जनाब याकूब नबी होकर के इतना रोए इतना रोए कि साहब आंख से दिखाई देना बंद हो गया, आंख सफेद हो गई। तो गोया कुरान की एक सुन्नत हमको यह मिली कि मरने को तो छोड़िए, जुदाई भी हो जाए और मोहब्बत ज्यादा हो तो फितरत का तकाजा यह है कि रोया जाए, रोया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई बेटी जब उसके जनाजा बाप का आता है या कोई जौजा जब उसके शौहर का जनाजा आता है तो कभी कभी ये केस सामने सामने आता है, क्योंकि मेडिकल लाइन से भी हमारा ताल्लुक है लिहाजा ये बात हम पेश करें, तो फिर वो एकदम सन्नाटे में रहती है, रोती ही नहीं, ऐसे देखती रहती है। क्या वजह है, क्यों? इसलिए कि ये सदमा इतना गहरा उसको आ चुका है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, यानी जैसे हम लोग कहते हैं कोमा में पहुंच गए क्या, यानी वो इस स्टेज में पहुंच जाती है तो डॉक्टर कहते हैं भाई इसको रुलाओ, जल्दी रुलाओ, गले मिलो, ताजियत पेश करो, पुरसा दो, किसी भी तरह ये रोए, नहीं रोएगी तो पागल हो जाएगी। नहीं तवज्जो किया आपने, भाई रोगे नहीं अगर और घुट के रह जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो ये तो हो गया कुरान से और दुनियावी लिहाज से। अब आइए मैं कुछ चीजें देख करके जानबूझ करके सुनाता हूं। भाई हजरत उमर ने कुरान और सुन्नत रसूल के खिलाफ फैसला देकर के कयामत तक एक नई बिदत कायम कर दी। अपने फैसले को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक हदीस भी बयान की। अब वो हदीसें मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाता हूं फिर अपने मौजू पे आता हूं। हजरत उमर का बयान है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे पर रोने से मुर्दे को अजाब होता है, वही जो हमने अभी सुनाया था आपको। अब उन्हें क्या मालूम कि रसूल किस जाविये में किस एंगल से बात पेश कर रहे हैं, इसलिए कि मासूम की बात मासूम समझता है, इसीलिए हम अली को बिला फसल मानते हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सुनिए इब्ने, ये कहां इब्ने माजा में है। अब हमारे अहले सुन्नत बरादरान बेचारे यही सब हदीस पढ़ करके कभी अपनी बहन को रोकते हैं मत रो, अब्बा पे अजाब नाजिल हो जाएगा, कभी बेटी को रोकते हैं, कभी बहन को रोकते हैं, कभी दौजा को मत रो मत रो मत रो, और कब्रस्तान तक किसी को नहीं आना, अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, यही सब रवायतें पढ़ लेते हैं क्योंकि उनकी किताबों में, क्यों भाई ये उन्हें बताई गई है, उन्हीं की किताबें में और चीजें हैं जो नहीं बताई गई। अब हमारी मजबूरी होती कि फिर हम खोज के बताएं, अब हम खोज के बताएं। अब उन्हें बताया क्या गया, यही वाली उनकी रवायत, ये कहा इब्ने माजा में वॉल्यूम 1 पेज नंबर 452 है और नेसाई में है वॉल्यूम 1 पेज नंबर 606 में। अब देखिए जो जो बताई नहीं जाती वो कौन सी रवायत है, उन्हीं की किताब में। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह उमर पर रहम करे हुजूर ने ऐसा नहीं कहा था, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। और फिर अल्लाह की कसम खा के कह रही, अल्लाह की कसम किसी के रोने से मोमिन पर अजाब नहीं आता। तो मेरे मुसलमान भाइयों या तो आप हजरत उमर की ही मान लो या हजरत आयशा की मान लो, या तो आप इनकी मान लो या तो उम्मत की मां की मान लो बात, इसलिए कि किताब एक है, हदीसें दो नहीं बल्कि तीन आ रही हैं, अभी तो दो आई हैं। कहा ऐसा नहीं था, फिर उन्होंने वही बात पेश की कि वो हुजूर ने जो फरमाया था वो इसलिए फरमाया था कि ये रोने वालों यहूदियों को, इन रोने वालों को जो कब्र के बाहर खड़े हुए हैं, इनको क्या मालूम कि इस जो औरत दफन हो रही है वो उसकी गुनाहों की बिना पर उस पर अजाब नाजिल हो रहा है। ये होता है, भी हमारे एहसास जो चल रहे हैं वो उससे वाकिफ हों,
और यही हजरत उमर इतनी किताबों में लिखा हुआ, खुद उन्होंने दुआ की या अल्लाह कोई ऐसा मुसीबत का वक्त ना आए कि ऐसा मसला आ जाए कि जिसका हम जवाब ना दे पाए और अली मौजूद ना हो। और बारहा कहा या अली अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते, तो हम ऐसे को मानते हैं जिन्हें मौलाए कायनात कहते हैं। अब आप सुनिए, जल्दी जल्दी मैं पेश करूं, इसलिए कि बात पहुंचनी है फिर इमाम हुसैन तक, बात आनी है सिद्दीक़ा ताहिरा तक। ये कहा जो हमने पेश किया, दूसरी रवायत जो जनाब आयशा से है, ये सही मुस्लिम में है, पेज नंबर 376 है, अबू दाऊद में है, वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 550, मौता में है, पेज नंबर 1998। ठीक, बहुत तवज्जो सुनिएगा। अच्छा, हो सकता है कोई ये सोचे सुनने वाला या आप लोग कि हुजूर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और उमर को समझ में नहीं आई हुजूर की बात, लिहाजा एक फतवा दे दिया था। जी नहीं, ये हुजूर की जिंदगी में ही क्या करते थे, अगर कोई जनाजा जा रहा है और हुजूर अगर मौजूद भी वहां तो भी ये कभी लाठी लेके मार देते थे, कभी पत्थर से मार देते थे और कभी मिट्टी उठाते थे और मुंह पे फेंक देते थे। जब तुम लोगों को क्या मालूम अभी अजाब नाजिल होने लगेगा जो मुर्दा जा रहा है। तो रसूल की जिंदगी में, और जबकि रसूल अल्लाह ने उन्हें कई बार मना भी किया, अजीब अजीब आदमी है, जिंदा है रसूल, मना भी कर रहे हैं फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कहां है कि हुजूर जिंदा थे और हुजूर ने कहा कि ए, नहीं रोने दो रोने दो, तुम क्यों मना कर रहे हो, ऐसे कुछ खास लहजा रहा होगा। अब हुरैरा ने फरमाया कि नबी करीम एक जनाजे में थे, उमर ने एक औरत को रोते देखा तो वो उस पर चिल्लाए, जिस लहजे में भी रहा हो उस पर चिल्लाए, तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया ऐ उमर, अरे आंख आंसू बहाती है, दिल मुसीबत में रोता है। अब यहां पे दो चीजें हैं मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया के जिस फिरके से भी ताल्लुक आप रखते हो भाई, एक तरफ हजरत उमर मना कर रहे हैं और एक तरफ रसूल आजम कहना है कि तुम चुप रहो, वो उमर को मना कर रहे हैं, तो फिर मसला बार बार वही हम दोहरा रहे हैं, हम शरीयत और जितना हुक्म है वो रसूल अल्लाह से लेंगे, हजरत उमर से नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में कहा कि तुम चुप रहो भाई, तुम चुप रहो। वो ठीक रो रही है औरत, इसलिए कि आंख रोती है जब गम होता है, जब दिल दुखता है तो इंसान, और दिल की नरमी का ये एक इशारा है, एक सिंबल है ये कि वो रोएगा। लेकिन उसके बावजूद हजरत उमर रोने वाले को लाठी और पत्थर से मार देते थे। बाप रे बाप, ये मुसलमान है भाई, मानने पे आए तो ऐसे लोगों को मान लेते हैं, लाठी से मार देते थे, कोई रो रहा मारा एक लाठी चुप जाओ। तो नबी ने तो कभी बड़े बड़े गुनहगार उनके सामने लाए गए, कभी किसी को लाठी से नहीं मारा, और ये साहब उम्मती होकर के लाठी से चलाए पड़े या पत्थर मार दे रहे। अब वो सुनिए इब्ने माजा, अच्छा जो हमने अभी हदीस पेश की थी उसका रेफरेंस है इब्ने माजा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 449, साहिब वॉल्यूम 1 पेज नंबर 609। अब अगली दवाई, इब्ने उमर ने कहा हजरत उमर तो जब भी ऐसा रोना देखते थे, यानी मुर्दा जा रहा और कोई रो रहा है, तो लाठी और पत्थर से मारते थे और रोने वाले के मुंह में खाक ठूस देते थे। अब कोई रो रहा पकड़ के खाक लिया भर दिया कि अब मुंह में जब खाक चली जाएगी क्या ये रोएंगे क्या, ये कहां ये रेफरेंस दिया है, ओहो कौन सी किताब जानते हैं, सही बुखारी और वॉल्यूम 1 पेज नंबर 568। फिर हमने वही कहा, अब हम ऐसी बातें नहीं पेश करेंगे कि वो उन्होंने मना कर दिया दूसरे खलीफा ने, और ये नहीं, रेफरेंस के साथ सुनिए ताकि हमारे मुसलमान भाई जो है वो कहने लगते हैं अरे आप लोग तो गढ़ लेते हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से नहीं कुछ, सारी अहले सुन्नत की जो बड़ी और उनके लिहाज से जो मोतबर किताबें हैं उनके लिहाज से हम पेश कर रहे हैं। अब आइए, यहां तक तो बात हो गई, इन्होंने हराम करार दिया, मना कर दिया, लाठी से मारा, डंडे से मारा, पत्थर से मारा, खाक ठूस दिया। अब आइए नबी ने, अब नबी ने क्या किया है भाई, इसलिए कि हम उनकी उम्मत हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें मानते हैं। अब जल्दी जल्दी, अबू हुरैरा से रवायत है कि हुजूर अपनी मां की कब्र पर गए तो रोने, अब जुमले पे तवज्जो दीजिए, मैं रवायत सुना रहा हूं। अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी जब अपनी मां की कब्र पर गए
तो रोने लगे। दूसरी मजलिस जनाब आमिना खातून पर पूरी हमने पढ़ी और मसाइब भी शहजादी का पढ़ा और फिर आगे हम बढ़े थे। वही अबू हुरैरा फरमा रहे कि जब हुजूर सरवरे कायनात अपनी वालदा जनाब आमिना की कब्र पे गए तो रोए। अब चूंकि हुजूर जब गए तो साथ में सहाबा भी थे तो हुजूर ने उनसे भी कहा तुम लोग भी रो। बात वही फिर आ गई कि एक तरफ रसूल का अमल है और एक तरफ उमर का अमल है। अब बताइए हम किसके अमल को माने, किसके कौल को माने, किसकी सुन्नत पे अमल करें। तो ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी आगोश में पैदा कर दिया कि हमें अली मिल गए। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कोई कहे ये वाला रेफरेंस कहीं भूल ना जाइए, इरफान भाई जरा रेफरेंस दीजिए, नसाई वॉल्यूम 1 पेज नंबर 658। ठीक, ये हो गया। हुजूर के एक बेटे हैं यानी नबी आखिर के। अब वही मसला है कि दिन कम है, शख्सियतें ज्यादा हैं जिनका जिक्र करना था मगर वो हो नहीं पाया। कल जनाब उम्मे हबीबा का जिक्र आया, जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र आया, जनाब सफिया का मुख्तसर मैंने जिक्र किया, तो हुजूर की तीन अजवाज का ये जिक्र और जनाब खदीजा भी पांच मजलिस हमने पढ़ी, तो चार बीवियों का जिक्र जो है हमने पूरे डिटेल से आप लोगों की खिदमत में पेश किया। लेकिन हुजूर की एक और ज़ौजा है जिनका नाम है मारिया कुबतिया। क्या नाम है? अच्छा ये बताइए, ये बच्चों नबी के कितने बेटे थे? है नबी के कितने बेटे थे? एक भी नहीं या एक बेटी थी? है एक बेटी थी। लड़के कितने थे? एक भी नहीं है। कितने लड़के थे? क्या नाम था? देखिए अब मैं चाहता हूँ, मैं इसीलिए मैंने पहले मजलिस में कहा था आप भले ना आइए अपने बच्चों को भेजिए सलवात पर मोहम्मद वाले में। अब मैं यहाँ बाद में आऊँगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारा ये दावा है हम अंदर से इतने खोखले हैं, हम बहुत जानते हैं। अरे क्या जानते हैं, खाली इमाम का नाम याद कर लें कोई काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ जानिए। भाई जुमा का खुतबा हो, यहाँ पे जो खुतबा मजलिस से पहले हो तो क्या पढ़ा? अबिल कौसिम मुहम्मद, आप लोग दुरूद पढ़ देते हैं। अब यहीं से थोड़ा देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। भाई जनाब अबू तालिब का नाम अबू तालिब नहीं है, इमरान है। बात याद आ रही परसों वाली? अबू तालिब का नाम अबू तालिब नहीं है, नाम क्या है? इमरान। तो अबू तालिब क्यों कहा गया यानी तालिब के बाप? इसका मतलब यह है कि बड़े बेटे का नाम तालिब था। नहीं पहुंचे अभी तक। हुजूर के जो बड़े बेटे हैं उनका नाम क्या है? कासिम। हाय हाय, तभी ना कहते हैं अबुल कासिम मोहम्मद, तभी नाम कहते हैं। तो कासिम के बाप कौन है? हुजूर सरवरे कायनात हमारी जाने कुर्बान उन पर। भाई ये बेटे किसके हैं? अब सुनिए, अब बच्चों सुनो, गौर से सुनो और अपने जहन में महफूज रखो, मुस्कुराओ नहीं, एकदम सुनो इसको अटेंशन होकर। जनाब खदीजा ताहिरा से ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनाब फातिमा है बस, नहीं उनके भाई भी हैं। कौन? तो एक भाई जो बड़े वाले हैं क्या नाम है उनका? कासिम, कासिम। और जो दूसरे हैं वो जनाब अब्दुल्ला या कुछ और नाम है, दो। ये कितने लड़के हो गए हुजूर के? थोड़ा सा बोलो, दो। और बेटी कितनी है? तो अभी तक कुल मिला के कितना हो गया? तीन हो गए। ठीक, अब आइए हिजरत हो गई और मदीने में पहुंच गए। बहुत अटेंशन हो के सुनिएगा, मदीने में आ गए हिजरत करके। जनाब मारिया कुबतिया से अक्त हुआ तकरीबन 8 हिजरी में, उनसे जनाब इब्राहिम की विलादत हुई जिनका इंतकाल हो गया 10 हिजरी में। अब कितने बेटे हो गए? आए? अरे अब कैलकुलेशन अभी पढ़ रहा हूं, कितने हो गए कुल मिला के? अच्छा औलाद कितनी हो गई? चार। लड़के कितने हैं? तीन। लड़की कितनी? तो अब कितना अब याद रहेगा ना? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों का और मुंतजमीन का, कमेटी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझ जैसे जिसके पास खिताबत का कोई फ़न ही नहीं है उसको बुला करके सुनते, और मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं चीज़ों को उठाता हूँ जिनके बारे में मैं यकीन से कहता हूँ कि 99% लोग नहीं जानते। लिहाजा हमारी उसमें बड़ी मेहनत होती है, उस मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा, याद रखिएगा। तो अब याद रखो कितने लड़के हो गए, कितने बच्चे हैं हुजूर के नबी आखिर के?
लेकिन बचे कितने? एक शहजादी। अच्छा हम कहते हैं नहीं चार नहीं छह थे। अब सलवात पढ़ी तो सुना है, बात आ गई तो सुनिए बात। ये बताइए अभी हमने जोड़वा दिया जनाब खदीजा ताहिरा से तीन औलाद और जनाब मारिया कुबतिया से एक, तो कुल मिला के कितने हो गए? चार। और हम कह रहे हैं कि नहीं छह हैं। आप कहेंगे कहाँ से छह भाई, चलिए अभी तक तो हो सकता है इरफान भाई कहीं नई कुछ रिसर्च करके आए, कोई कुछ नया नया नहीं है, सब पुराना है। इसलिए कि एक बार आयत नाजिल हुई, पैगंबर इनसे कहिए कि ये अपने बेटों को लाए, हाय हाय, और आप अपने बेटों को लाए तो भाई ये तो चार औलाद यहां दिख रही है, लेकिन जब कुरान की रोशनी में हमने देखा तो हसन और हुसैन को पैगंबर अपना बेटा बना के ले जा रहे हैं, लिहाजा इसलिए हमने कहा कि पैगंबर की छह औलाद। सलवात पर मोहम्मद वाले। तो आ जाइए बाप, तो जनाब मारिया कुबतिया की जो औलाद है जनाब कासिम, जनाब मुझे याद है कि नहीं, इब्राहिम, क्या नाम है? इब्राहिम। याद रखिएगा, पहला बेटा कासिम और आखिरी बेटा नबी इब्राहिम के नाम पे याद रखिएगा कि जब हुजूर की यहाँ विलादत होती है तो कासिम मोहम्मद अहमद ये सब कासिम ये सब नाम रखा जाता है। अब वो सब जो जमाने में लोग रखते हैं वो अलग नाम है, जो अंबिया के घरों में रखे गए, जो औसिया घरों में रखे गए, वही हमें नाम रखना चाहिए। नया लोग कहते कुछ नया बताइए, और नया क्या बताएं, अली के घर में सब अली हैं, अली के घर में सब फातिमा है। जिन्हें नया ढूंढना चाहिए अपनी जबान में कहा जाए कि जिन पे हम उनकी सीरत पे अमल कर रहे हैं ना बताइए, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि कहा कि जो हमारे घर में नाम है वही रखिए। बहरहाल अब हुजूर की सुनिए, अब हुरैरा से रवायत है हुजूर अपनी माँ के कब्र पर रोए और जो लोग उनके साथ में थे उनसे कहा कि रो, यानी उनको भी रुला रहे हैं, एक रेफरेंस दे दिया हमने। हुजूर अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर आंसू जब जारी हुए तो आपने फरमाया आंसू बहाती है आंख और गम रोता है, और जब गम होता है तो दिल मगमून हो जाता है, और उसके बाद हाँ फिर हम ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहाँ है? सही बुखारी में है, वॉल्यूम 1 है पेज नंबर 568, अबू दाऊद में है वॉल्यूम 2 पेज नंबर 549। अब दो रवायत तो हमने सुना दी जहाँ रसूल खुद रो रहे हैं, अपने बेटे के गम में रो रहे हैं, जनाब इब्राहिम के इंतकाल हो गए मुश्किल से दो साल के भी नहीं है या साल भर के हैं, उन पर आंसू बहा रहे हैं। देखिए कुछ नाम है, मैं हिस्ट्री चूंकि थोड़ा सा टच रहा है, मैं बहुत कुछ नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं जानता, जो थोड़ा मोड़ा जान गया तो उससे ये नतीजे भी निकाला हूँ। जैनब, इनके घर में बहुत सी हैं बेटियाँ और बहुत सी पुरानी जो खवातीन हैं उनका भी नाम जैनब है, जैसे खुद हुजूर की दो ज़ौजा जिनका नाम जैनब है, एक ज़ैनब बिनते जहेश और एक ज़ैनब बिनते कुछ और नाम है उर्वा या क्या नाम है, खुद हुजूर की जो ज़ौजा हैं उनकी दो बीवियाँ जिनका नाम ज़ैनब है, जनाबे मौलाए कायनात की दो बेटियाँ हैं उनका भी नाम क्या है? बड़ी बेटी का नाम क्या है? ज़ैनब। और छोटी बेटी का अभी अभी देखिए, हो सकता बच्चों के लिए नई बात हो, आप लोग बहरहाल जानते होंगे, बड़ी बेटी का क्या नाम मौलाए कायनात? ज़ैनब। छोटी का उनका भी नाम ज़ैनब है, ये ज़ैनब कुबरा है और छोटी जो उम्मे कुलसूम हम लोग कहते हैं वो जनाब ज़ैनब सुग़रा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तीसरी रवायत सुनिए, जो हम पैगंबर की सीरत पे अमल करके हम रोते हैं अपने मुर्दों पर भी, अपने शहदा पर भी, और करबला के शहीदों पर भी, सिद्दीक़ा ताहिरा पर भी, मौलाए कायनात पर भी, आइमा अलैहिस्सलाम की शहादत पे हम जो गिरिया करते हैं सड़क पर आ आकर के जो रोते हैं, और जो लोग वहाँ से खिड़की से देख के मुस्कुराते हैं रो रहे हैं, तो भाई इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, इसलिए कि उनको ये मालूम है कि उमर ने हराम करार दिया, मना कर दिया कि नहीं रोना, लेकिन हम उनको बताना चाहते भाई हम शरीयत चूँकि पैगम्बर से लिए हैं लिहाजा हम उनकी सीरत पर अमल करते हैं, हम अपने मरहूमीन को भी रोते हैं और शहदा को भी रोते हैं। तीसरी रवायत सुनी, जैनब की बेटी के इंतकाल पर आप रोए, बुखारी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 560 और मुस्लिम वॉल्यूम 2 पेज नंबर 367। अब ये जैनब कौन है वो हमें नहीं मालूम क्योंकि इसमें लिखा नहीं है बिनते, यानी किसकी बेटी, अब वो कौन सी है, रसूलुल्लाह की ज़ौजा तो नहीं लग रही है, कोई और होंगे, लेकिन हुजूर रोए, भाई हो सकता फूफी दाद बहन हो, चचा दाद बहन हो। फिर चौथी रवायत सुनिए, हुजूर उम्मे कुलसूम के जनाबे पर रोए, अभी उम्मे कुलसूम जनाबे ज़ैनब की बहन नहीं, मौलाए कायनात की नहीं, उम्मे कुलसूम, इस घराने में कई चार पांच कुलसूम हैं,
चार पांच, इसीलिए यही तारीख लिखने वालों को इतना कन्फ्यूजन हुआ कि उन्होंने कहा कि अबू दूसरे खलीफा उमर की शादी अली की बेटी उम्मे कुलसूम से हुई थी। भाई कहाँ वो बूढ़े आदमी और ये कहाँ छोटी सी बच्ची, तारीख अगर देखा जाए वो कहाँ बूढ़ा, एकदम बूढ़ा आदमी कहाँ बच्ची से शादी कर सकता है। अब आप क्या सुन रहे हैं, सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जल्दी जल्दी अब तमाम करूं। हुजूर साद बिन इबादा पर रोए, बुखारी 1 पेज नंबर 568, मुस्लिम वॉल्यूम। अब मैं हवाला नहीं दूंगा, उसमें टाइम लग जाएगा। अब इतना तो यकीन हो गया होगा आप लोग को भी और जो बाद में सुनेगा कि भाई ये पूरा होमवर्क सही से करके आए हैं। तो अलीदा ने बोला, मैं जल्दी जल्दी, आप जनाब जाफर बिन अबी तालिब की शहादत जंग मौता में शहीद हो गए थे, आप उनके ऊपर रो रहे हैं, ये भी बुखारी में है और दो जगह बुखारी में है। उमर के इंतकाल पर हफ्जा चीख मार करके रोई। भाई अगर भाई मना किए थे तो कम से कम हफ्जा को तो नहीं रोना चाहिए था कि उमर ने मना किया है, मगर ये खुद ही चीख मार करके रोई अपने उमर के जनाजे पर। उमर के फिर उसके बाद उमर के इंतकाल पर उनके भाई सुहैब रोए और कहा, हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई। भाई वो रोए, हाय मेरे भाई कहेगा तो ठीक है और हम हाय हुसैन कहकर रोए तो बिदअत है। अजब कमाल है, अजब मुसलमान है। फिर मैं कह रहा हूँ बेचारे, वो उन्हें क्या मालूम, खुतबा जुमा में हफ्ते में एक दिन वो सुन लेते हैं, मगर उन्हें वही सुनाया जाता जो हम पहले सुना चुके हैं, ये सब बताइए नहीं जाता। भाई उमर के भाई सुहैब जो है वो अपने भाई के इंतकाल पर सर पीट पीट करके रो रहा है और कहा, हाय मेरे भाई, हाय। ये कहाँ है, मुस्लिम में है, मैं हवाला इसका दे दूं, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 372। अबू बकर के इंतकाल पर उनकी बहन उम्मे फरवा ने नौहा किया, नौहा किया नहीं रोया, ये बुखारी में है और बुखारी में दो जगह है। अबू बकर की कब्र पर रोते हुए मरसिए पढ़े गए, तारीखुल खुलफा पेज नंबर 107। उस्मान का खून भरा कुर्ता मिंबर पर लटकाया गया और सारे सहाबा रोए नहीं बल्कि कई बरस तक रोते रहे, तारीख तबरी। और भी है, बस दो चार लाइन और मैं जल्दी सुना दूं, इसलिए कि बातें रिकॉर्ड हो रही है। आंख से आंसू निकलता, हदीस पेश कर रहा हूं, और दिल गम में सब्र नहीं करता तो वो रोता है। ये कहाँ, अबू दाऊद में हुजूर की यह हदीस है कि जब इंसान को दर्द होता है, जब कोई मरता है तो वो रोता है, ये अबू दाऊद में है। लिहाजा अब इसको मैं मुख्तसर कर दूं, जब नोमान मारे गए तो उमर बेसाख्ता रो पड़े और देर तक रोते रहे और अपने सर पर, वही मुसलमान कहते ना कि हजरत उमर ने मना किया नहीं रोना चाहिए, खुद उनके जब नोमान का शहीद यानी जंग में उनके जमाने में मारे गए वो, तो सर पकड़ के खूब देर तक रोते रहे। ये कहां पे है, अल फारूक वॉल्यूम 1 पेज नंबर 168। और आखिरी सुन लीजिए, जैद जो कि हकीकी भाई थे हजरत उमर के, जैद जो कि हकीकी भाई थे हजरत उमर के, जब वो हमामा की लड़ाई में मारे गए तो हजरत उमर रोए, इतना रोए कि साहब सिसकी बन गए। भाई वो लिखा उसमें थोड़ा सा करके भी बता, इतना रोए कि साहब क्लिक हो गया, सिसकिया बन गई। और यही नहीं, फरमाइश कर दिया मरसिया पढ़ा जाए, हम मरसिया पढ़े शहदा का, तो बेचारे ये कहते हैं बिदात, जबकि ये खुद नहीं देखते कि उमर अपने भाई का मरसिया पढ़वा रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 10:20 पे हमने शुरू किया था, अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है, लिहाजा जो हमारा मौजू चल रहा है उसमें से एक झलकी मैं पेश करूं और जल्दी से अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूं, कल आखिरी मजलिस हो। भाई चूंकि आज सिद्दीक़े ताहिरा की, देखिए आप तो खाना खा करके आए, हमें खाना है, आप इत्मीनान से बैठिए और सुनिए, इसलिए कि वो अहम गुफ्तगू है, बाखुदा मैं कह रहा हूँ, जिसमें बड़ी मेहनत है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब सिद्दीक़ा ताहिरा दरबार में गई हैं तो उसने कहा कि गवाह पेश कीजिए, तो मौलाए कायनात को पेश कर रही हैं, इमाम हसन को पेश कर रही हैं, इमाम हुसैन फिदक के मामले में। अब चूंकि यह सवाल आपका सुना हुआ लिहाजा आप खाली इशारा देंगे। अब उधर से जो है वो बैठा हुआ आदमी कह रहा, नहीं ये घर वाले इनकी गवाही नहीं चलेगी, इनकी गवाही इनकार कर रहा, नहीं चलेगी, हटाओ इनको और कोई लाइए। तो शहजादी ने जनाबे उम्मे ऐमन को पेश कर दिया, ये तो सुना होगा आपने, किसको पेश कर दिया भाई, थोड़ा सा बोली किसको पेश किया। अब ये बताइए क्या 5 मिनट में जनाबे उम्मे ऐमन के बारे में बताऊं आपको, नहीं बताऊं,
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। भाई नाम सुना कि नहीं, उम्मे ऐमन उम्मे ऐमन मार उम्मे ऐमन। तो जब इन्हें पेश किया गया तो कहा नहीं नहीं नहीं, आपके बाबा से हमने ये सुना है, ना हम वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, ना हम वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, कोई और गवाह पेश कीजिए। तो मौला को पेश किया, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया, और उसके बाद जनाब उम्मे ऐमन को पेश कर दिया। तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि जनाब फिजा नहीं थी क्या, जनाब असमा नहीं थी क्या, जनाब सलमा नहीं थी क्या, जनाब सलमा वो नहीं एक और है, जनाब अबूजर, जनाब सलमान, जनाब मकदाद, तो शहजादी इन लोगों को आप क्यों नहीं पेश कर रही हैं, ये जनाब उम्मे ऐमन को क्यों पेश कर रही हैं। कहा अभी देखो यही है सियासत फातिमी, आप देखिए, क्योंकि उधर से ये कहा जा रहा है कि आपके बाबा ने कहा था ना तो नबी वारिस बनता है ना बनाता है, तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो शहजादी ने पलट के कहा अच्छा सुलेमान किसके वारिस है, कुरान में है दाऊद के वारिस है, है? जनाबे जकरिया के वारिस कौन बन रहे हैं, ये सब सब कुरान में है मौजूद है। और ये तो बात जब कुरान की कर ली तो इसीलिए जनाबे उम्मे ऐमन को आगे पेश किया कि नबी वारिस बनता भी है बनाता भी है, बनाता है कुरान से पेश कर दिया और बनता है वारिस जनाबे उम्मे ऐमन को पेश किया। नहीं आप पहुंच रहे, इसलिए आप नहीं पहुंच रहे क्योंकि जानते नहीं सही से। भाई जनाबे उम्मे ऐमन जो है वो जनाबे अब्दुल्लाह की कनीज है, जनाबे अब्दुल्लाह हुजूर के वालिद है, बहुत तवज्जो, जनाबे अब्दुल्ला जो है वो हुजूर के क्या है, वालिद हैं। जब उनका इंतकाल हो गया तो मीरास के तौर पर जनाबे उम्मे ऐमन किसके पास आई, हुजूर के पास आई। तो हुजूर वारिस बने कि नहीं बने, तवज्जो चाहते, हुजूर जब वारिस बने तो इसलिए ना जनाबे फिजा को लिया, जनाबे अस्मा उमैर, ना जनाबे अस्मा बिन्त उमैर को लिया, ना जनाबे सलमा को लेके आई, किसी को नहीं लिया। ये है सियासत फातिमी, ऐसा तमाचा मारा कि जनाबे उम्मे ऐमन को पेश करके कि देखो नबी वारिस बनता भी है बनाता भी है, बनाता भी है, लिहाजा पेश कर दिया। अच्छा इनके बारे में इन शॉर्ट जल्दी जल्दी सुन लीजिए, जनाब उम्मे ऐमन इनका नाम नहीं है, ये ऐमन चूंकि इनके बेटे हैं लिहाजा इनका नाम क्या है, इनका नाम ऐमन नहीं है बल्कि इनका नाम है बरका नाम, हाँ बरका, बरका बिनते सालबा, बरका बिनते सालबा। ये जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी, फिर हुजूर की खिदमत में आई, हुजूर ने इन्हें बाद में आज़ाद कर दिया। इनका अकबर, इनका जो अब्द हुआ है उनका नाम है जैद, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उबैद बिन जैद जो है वो इनके पहले शौहर है, पहले यानी इसका मतलब अभी और शौहर है, पहले शौहर है ये जो उबैद बिन जैद जो है, इन्हीं से जो है वो ऐमन पैदा हुए, लिहाजा इनकी वालिदा को बरका को उम्मे ऐमन कहा जाने लगा। अब उबैद जो है वो सन 7 हिजरी में जंग खैबर में शहीद हो गए। देखिए कैसे कैसे मुहिब है हुजूर के साथ, लोग कहते हैं ना कि ये खैबर खंदक लोग पढ़ते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, ये सब खैबर की बातें हैं। उबैद वहां शहीद हो गए, तो जब शहीद हो गए ऐसे ही बज्म सजी हुई थी, पैगंबर ने एक जुमला कहा सहाबा से, कहा मैं एक जन्नती बीवी को जानता हूं, क्या कोई है जो तुम में से कोई, यानी जन्नती यानी सच्ची बीवी जानता हूं, जन्नत में हो जाएंगी, जन्नती बीवी है, तुम में से कौन है जो उनसे शादी करे। पर जनाबे जैद बिन हारसा ने कहा या रसूलल्लाह मैं, अब वो सबकत ले गए। यानी जब इनके पहले शौहर उबैद का इंतकाल हुआ तो इद्दत वगैरह गुजरने के बाद फिर इन्होंने जनाबे जैद बिन हारसा ने किससे शादी कर ली, उम्मे ऐमन से शादी कर ली, जिसके नतीजे में जनाबे उसामा पैदा हुए। इनकी भी एक तारीख है, एक मजलिस हो तब उस पर हम पढ़ा जाए। अब ये दूसरे इनके शौहर हो गए, जब ये इनके दूसरे शौहर हुए तो तारीख ये कहती है कि उस्मान के जमाने में इनकी वफात हुई है, उस्मान के जमाने में गालिबा मैं समझता हूं कि 34 हिजरी के आसपास कहीं इनकी शहादत हुई, 34-35 हिजरी में वफात हुई है। पैगंबर के गुजर जाने के बाद खलीफा अव्वल और दोबुम इनसे मिलने के लिए आए, देखा जारो कतार रो रही हैं, रो रही हैं, मैं बस अब मुख्तसर कर रहा हूं। तो जब रो रही थी तो कहा क्यों रो रही हैं, क्या मोहब्बत है इनकी, इसलिए कि पैगंबर इन्हें मां कहते थे, मां कहते थे, कहा इसलिए मैं रो रही हूं मोहम्मद जब से गुजर गए अब वही का सिलसिला आना मुनकता हो गया, खत्म हो गया।
तो शहजादी ने जान बुझ करके इन्हें लेकर के गए थे। क्यों? क्योंकि कोई ये कह रहा था कि ना नबी वारिस बनता है ना बनाता है, तो कुरान की आयत पेश करके बताया कि नबी वारिस बनता है, और उम्मे ऐमन को आगे बढ़ा के बताया कि नबी वारिस बनाता भी और बनता भी है, बनता भी। अब अदान मोहम्मद खुद फिदक अपने आप में एक टॉपिक है जिसपे काफी वक्त चाहिए, लेकिन शहजादी गई फिदक के लिए, गई मुतालबा किया। अब यहां पे एक लतीफ जुमला मैं पेश करूं, इसलिए कि वहां से कहा गया नहीं हम नहीं मानेंगे आप भाई, बल्कि झुठला दिया ना, ये कहा जाए झुठला दिया, आखिरी दो चार पांच मिनट झुठला दिया। अब मैं यहां ये कह दूं, ये जितने आप लोग बैठे हैं ना सब झूठे हैं, ये बताइए अब कोई हमारे पीछे नमाज पढ़ेगा? पहले तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये नमाज कब से पढ़ाने लगे, भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है वहां तक पहुंच चुके हैं कि अब नमाज पढ़ाने की इजाजत मिल चुकी है, और अभी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू, खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह नजफ ईरान कहीं इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये बताइए हम कल आ जाए, अजीज साहब कहेंगे भाई हम जरा जा रहे हैं, इरफान भाई जरा संभालिएगा, तो आप में से कोई नमाज पढ़ेगा? मैं कौन जाएगा इनके पीछे नमाज पढ़ने, ये हमको झूठा कह रहे, तो क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे? कहा फासिक हो, ऐसे ही सुनिएगा, फासिक हैं आप, आपके पीछे कौन नमाज पढ़ेगा? इसका मतलब यह है कि नमाज तो नहीं कोई पढ़ सकता, लेकिन मैं मस्जिद में आ सकता हूं, मैं अब कहीं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह हो गया कि मैं नमाज तो नहीं पढ़ा सकता लेकिन मैं नमाज आकर के मस्जिद में पढ़ सकता हूं, इसलिए कि मैं अब एक काफिर नहीं हुआ हूं, मुसलमान हूं। लेकिन अगर मैंने यहीं से बैठ के ये कह दिया कोई कुरान नहीं कोई नबी नहीं, तो जैसे ही हम ये कहेंगे तो अब हमारा मस्जिद में आना भी क्या हो जाएगा, इसलिए अब हम खाली फासिक नहीं रह गए, अब हमने कुफ्र इख्तियार कर लिया, नहीं तवज्जो किया, हमने कुफ्र इख्तियार कर लिया। इसीलिए जब किसी ने कहा ना कि कुरान से ये 26 आयतें निकालो, तो अल्लाह ने उसे मजहब इस्लाम से निकाल के ऐसा फेंका है बाहर कि ऐसा त्यागी बना कि मजहब इस्लाम ने ही उसे त्याग दिया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, देखिए बस आखिरी मरहले में है गुफ्तगू बस अब। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ये कह दें कि आप झूठे हैं, तो बस इतना हो सकता है कि मेरे पीछे नमाज ना पढ़िए आप, चांद देख के आऊं तो मैं कहूं कि चांद देखा तो मेरी गवाही कबूल ना हो, किसी का तलाक हो रहा हो और कोई हमको लाए कि इनकी गवाही, तो लोग कह रहे इनकी कौन का, हटा हटा इनको हटा, फांसी का आदमी है। लेकिन अगर मैं कुरान का इनकार कर दूं तो अब मैं मुसलमान भी नहीं रहा, नहीं समझे आप? अरे जिसे पैगंबर सिद्दीक बना करके, सच्चा बना करके मुबाहले के मैदान में ले जा रहे हैं, कोई उन्हीं सच्चों को झूठा बना रहा है। अब ये तो मुसलमानों का और ये और हमारा मुकद्दर है कि वो कहीं और किसी को मानते हैं, हम उन्हें मानते हैं जिसे कुरान ने सिद्दीक अकबर कहा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस आखिरी मरहले में। अब अलीदान मोहतरम लोग कहते जब मालूम था क्यों नहीं गई, अब उसमें इल्मी जवाब भी है, इल्मी जवाब भी है। इल्मी जवाब ये है कि हमसे क्यों कहते हो, हमसे क्यों लड़ते हो भाई, हमसे क्यों कहते हो कि जब तुम्हें मालूम था शहजादी, तुम लोग कहते हो वो तो सब जानती हैं, तो जब जनाब फातिमा को सब मालूम था कि उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा तो क्यों गई? भाई हम कह हमसे मत लड़िए आप, हमसे मत। कहा फिर क्या करें? कहा जाके अगर पूछना है तो रसूल अल्लाह से पूछो कि या रसूल अल्लाह जब आपको मालूम था कि कलम और कागज नहीं मिलेगा तो उससे मांगा क्यों? तो हमसे मत लड़िए आप। हाँ हम इतना बताएंगे क्योंकि हम जो है पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जाहिल भी नहीं है, हम इतना बता देंगे एक जवाब हमारे पास भी है। असल में वो बहुत से मकासिद में से, अब खिताबत के अंदाज में कह रहा हूं, एक खास मकसद और था जिसके लिए गई थी। कहा वो क्या? कहा कि जब पैगंबर मुबाहले के मैदान में ले गए तो जब इधर पंजतन चले और मामला ये था कि झूठों पे लानत होगी, झूठों पे क्या होगी? लानत होगी। अब जब पैगंबर इधर से चले, ईसाई उधर से चले, लानत उधर से चली, तवज्जो चाहता हूं। पैगंबर अपने काफिले को, पंजतन का काफिला इधर से चला, ईसाई उधर से चले, लानत उधर से चली,
ईसाइयों ने चेहरे को देखा, नूरानी शख्सियत को देखा, जल्दी से पीछे हट गए और कहा कि नहीं भाई, ये लानत का तौक हम तो नहीं पहनेंगे, लिहाजा हम हार जाते हैं भले ही पीछे हो जाए, मगर मामला यह है कि तीर चल चुका है, अब कहीं ना कहीं जाके लगेगा जरूर। तो अजीजा ने मोहतरम, बस मुख्तसर ये कह रहा हूं कि अब चूंकि ये मामला था कि झूठों पर लानत की जाएगी, तो ये लानत जो चली थी वो झूठों के लिए चली थी। अब एक दरबार में बादे रसूल शहजादी कौनैन पहुंची हैं और वहां पर किसी ने इनको झुठला के खुद अपने आप को झूठा करार दिया, लिहाजा एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए, शहजादी खालिफ फिदक मांगने नहीं गई थी, मुबाहले की आई हुई लानत उनके हकदारों तक पहुंचाने भी गई थी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जो अब इसके बड़े इसमें मामलात हैं जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। बस अजीजान मोहतरम, आप कई दिनों से मजालिस में शिरकत कर रहे हैं अपनी मसरूफियात के बावजूद भी, ये वो शहजादी है कि मर्दों की तबलीग के लिए अल्लाह ने 124,000 अंबिया भेजे, 124,000, मगर औरतों के लिए सिद्दीक़ा कुबरा काफ़ी है, लेकिन कितने बरस, जितने बरस में जब आपका बच्चा जवान होता है रसूल की बेटी बूढ़ी हो गई। करबला में कड़ियल जवान अकबर का लाशा इमाम हुसैन जिस बरस में उठा रहे हैं, सिद्दीक़ा ताहिरा उस बरस में बाल सफ़ेद हो गए और कमर झुकी हुई है। जनाब सलमा ज़ौजा अबू राफ़े का बयान है कि एक मरतबा जब शहजादी की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो एक मरतबा अपने घर से घबरा, मैं पैगंबर के घर से शहजादी के घर से घबरा के बाहर निकली, इसलिए कि मैं चाहती थी जल्दी से अली को ख़बर कर दूं। बस अदादारों मुख्तसर मसायब पढ़ूंगा, इसलिए कि आप मजलिस अभी करके आ रहे हैं। बस जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मैं क्या देखा, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। बस मेरे चेहरे को देख करके अली ने कहा, सलमा सब खैरियत तो है, मेरी ज़ौजा खैरियत तो है, कहा या अली यही तो बता नहीं आई, जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पहुंचने से पहले फातिमा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ हाँ अदादारों, एक मरतबा अब रवायत ये कहती है, मौलाए कायनात जो अभी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आ रहे थे, एक मरतबा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा करके घर में आए, जल्दी से हुजरे में दाखिल हुए तो क्या देखा, फातिमा की आंख बंद है। बस एक मरतबा तकिए को हटाया, अपने जानू पर सैयदा का सर रखा। अब अदादारों सुनिएगा, एक मरतबा कहते बिनते नबी आंखें खोलो, मगर आंखें नहीं खुली। एक मरतबा फरमाते हैं हसन की माँ आंखें खोलो, मगर नहीं खुली। एक मतलब फिर फरमाते हैं ए रसूल की बेटी आंखें खोलो, आंखें नहीं खुली ना। बस एक मतलब इमाम ने एक कर्ब के आलम में एक जुमला कहा, फातिमा आंखें खोलो, अली कह रहा है। जज़ाकुमुल्लाह। बस एक मरतबा जैसे ही मौला ने कहा ना ए फातिमा, अली कह रहा आंखें खोलो, बस सैयदा ने आंखें खोली तो क्या देखा, अली जारो कतार रो रहे हैं, मेरे वाली वारिस आप क्यों रो रहे हैं, कहा सैयदा क्या हो गया। बस फरमाती है कि हाँ हाँ अली, मैं आपका इंतजार कर रही थी। बस अब जल्दी जल्दी सुनिएगा, फरमाती है ए अली, देखिए आप ही मुझे हौसले दीजिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा, और देखिए रात की तारीकी में हमारा जनाजा उठाइएगा, अगर आप अक्द कर लीजिएगा तो एक हमारे बच्चों के यहां सोइएगा और एक रात ज़ौजा के यहां सोइएगा। मगर एक खास बात कही है शहजादी ने, कहा या अली, हाँ कोशिश ये भी कीजिएगा ये फला फला लोग हमारे जनाजे में ना आने पाए। अब मैं थोड़ा नफ्सियाती मसाइल पढ़ने का आदी हूं, मैं शायद समझा पाऊं तो आपको जब याद आएगा तब आप रोएंगे। अदादारों अब नफ्सियाती बात सुन लीजिए, अदादारों हमारे और आपके घर में जब भी कोई मैयत होती है तो दो मौके ऐसे होते हैं कि पूरी बस्ती वालों को मालूम हो जाता है इनके यहां कोई मरा हुआ है, कोई इंतकाल कर गया, कोई गुजर गया। एक वक्त वो कि जब उसकी सांस उखड़ जाए और घर वालों को मालूम हो जाए कि भाई ये हमारा जो मोहतरम था वो इंतकाल कर गया, और एक लम्हा वो होता है कि जब जनाजा घर से निकल रहा हो तो पूरी बस्ती वाले दूर दूर भी लोग हो तो समझ जाते लग रहा अब जनाजा घर से निकल रहा है। लेकिन हाय रे मजलूमी सैयदा की, इधर इधर सैयदा ने खुदा हाफिज कहा दुनिया को, मगर घर वाले रोए तो कैसे रोए, क्यों, इसलिए कि अगर ज्यादा तेज से रोए तो कहीं ऐसा ना हो कि फला फला को मालूम हो जाए कि सैयदा का जनाजा
جزاکم اللہ. اب بس مختصر کروں اے عزادارو, اے عزادارو, تاریخ میں میں نے دو بیویاں دیکھی ہیں جن کا مسائل بالکل ایک جیسا ملتا جلتا ہے, ایک فاطمہ رسول کی بیٹی اور ایک سکینہ حسین کی بیٹی. سنیے گا کیسے, اس لیے کہ میں نے دیکھا تاریخ میں تو رسول کے بعد ان کی بیٹی کو نہیں رونے دیا گیا, ویسے ہی حسین کے بعد سکینہ کو نہیں رونے دیا گیا. رسول اللہ کے بعد ان کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور حسین کے بعد سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی. عزاداروں طرف جائیے گا, رسول اللہ کے بعد فاطمہ کو تماچے اور تازیانے مارے گئے, حسین کے بعد سکینہ کو درے اور تازیانے لگائے گئے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. ہاں ہاں, جب اپنے بابا کو رونے کے لیے شہزادی گھر سے باہر آتی تھی تو میں نے تاریخ میں دیکھا کہ بعد رسول فاطمہ کو رونے نہیں دیا جاتا تھا, اور ہم نے یہاں دیکھا کہ ارے ہاں, حسین کی بیٹی سکینہ کو بھی نہیں رونے دیا جا رہا ہے. اب ایک آخری جملہ پیش کروں اس سلسلے کا, ارے میں نے دیکھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ چلا تو بس خالی گھر والے تھے. ارے میں نے زندان میں دیکھا حسین کی بیٹی کبھی جب جنازہ اٹھانا تو بس گھر والے تھے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. عزاداروں سنیے, سنیے. ہاں ہاں, ہم نے دیکھا بعد رسول جب سیدہ کا جنازہ قبر تک پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ وہاں سے دو ہاتھ برآمد ہوئے. ارے بعد حسین جب سکینہ کا جنازہ قبر میں پہنچا تو وہاں بھی دو ہاتھ برآمد ہوئے. بس عزاداروں اب میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں. ہاں ہم نے دیکھا کہ باد حسین سکینہ کو غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. ہاں ہم نے یہاں بھی یہ منظر دیکھا کہ باد رسول سیدہ کو غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روئے. جب باہر آئے نا جناب سلمان بڑھے اور گلے لگ کے ایک سوال آہستہ سے کیا, مولا فاطمہ کی کون سی بات یاد آ گئی تھی ارے جو آپ اس طرح سے رونے لگے؟ بس فرماتے ہیں سلمان, ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی مگر سیدہ نے کبھی شکایت نہیں کی. جزاکم اللہ. اے عزاداروں, اے عزاداروں, نفسیاتی بات جو میں نے پیش کی تھی میں اسے آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا, اور اگر خاص کر بیٹیاں ہوں تو خدا کی قسم, چونکہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی, دس بیٹے ہوں اور باپ کا جنازہ چلا جائے تو لوگوں کو خاص معلوم نہیں ہوتا کہ جنازہ جا رہا, لیکن اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو پوری بستی والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ کا جنازہ جا رہا ہے. ارے جس کے زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں ہو مگر ہائے رے مجبوری, کیسے بلند آواز سے چیخ کے روئے, اس لیے کہ اما کی وصیت, یا علی میرے جنازے میں یہ لوگ نہ آنے پائے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. ہاں ہاں عزادارو, اب سنیے مولا حسن حسین کی کیا حالت ہے. اس لیے کہ جب جنازہ جانا نا آگے آگے تو پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن اور حسین, اور حالت یہ ہے اس لیے کہ خدا کی قسم ہم نے بھی دیکھا جب کسی کی ماں کا جنازہ جاتا ہے نا, اگر اس کا بیٹا 34 سال کا بھی ہو تو دھاڑے مار مار کے روتا, ارے میرے اما کا جنازہ جا رہا ہے, ارے میری ماں کا جنازہ جا رہا ہے, ارے میری ماں کا جنازہ جا رہا ہے. مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے, اب دیکھنا میری طرف, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اس طرح سے آستینوں کو اپنے منہ میں ڈال کے سسکیوں میں رو رہے ہیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے عزاداروں بس آخری مرحلے میں ہماری تقریر آ گئی ہے. بس ایک مرتبہ جب جنازہ چلا نا, بس جنازہ جب چلا پھر سے میں نفسیاتی بات پیش کرنا چاہتا ہوں, بہت آرام سے سن لیجیے. عزاداروں یہی سامنے قبرستان ہے, نہ جانے کتنے آپ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کبھی قبر میں داخل ہوئے ہوں گے, کسی نے کفن داہنی طرف سے پائنتی سے پکڑا ہوگا, کسی نے کفن سرہانے سے پکڑا ہوگا, کسی نے درمیان میں جو دو لوگ اوپر سے کھڑے ہو کے پٹکا لگاتے ہیں کمر کے درمیان میں, تو کچھ پتہ لگا اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے, اب آپ جانے اور صدیقہ طاہرہ کا مصائب جانے, اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو کم سے کم 5 محرم کا ہونا ضروری ہے. ارے ایک سرہانے سے کفن پکڑے,
एक पालकी से कफन पकड़े और एक बीच में कमर का पटका लगाए, दो लोग कब्र में दाखिल होके कहे लाओ लाओ जरा जनाजे को लाओ। अरे अब मैं क्या करूं, अब मैंने जो तारीख में देखा जनाजा भी बतूल का है, अली इतने महरम लाए तो कहां से लाए, बच्चे इतने छोटे हैं कि कब्र में उतर नहीं सकते, बस अदारों कयामत है कयामत। बस मैंने देखा तारीख में जैसे हम और आप अपने किसी छोटे बच्चे की मैयत तनहा हाथ में उठाते हैं ना, अली सैयदा की मैया। नहीं अभी भी नहीं, मैं आपको फिर से नफ्सियाती बात पेश करना चाहता हूं। अदादारों जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो उसकी हड्डियों में वजन आ जाता है, शायद मैं समझा पाऊं तो आपको, जब ये आएगा तो रोएंगे आप। आपने बड़े जनाजे उठाए होंगे, आपने महसूस किया होगा अरे देखने में जो पतले दुबले से लगते थे मगर जनाजा कितना वजनी हो गया, पता लगा हड्डियों में वजन होता है। नहीं शायद मैं नहीं समझा पाया। अब आप ये सोच रहे होंगे अरे अली अली है अकेले जहरा का जनाजा उठा लिया। नहीं, ये 75 और 95 दिन के दरमियान में, मैं एक जुमला मैं पेश करूं पहले, मैं खुदा की कसम जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं अगर कोई डॉक्टर हो और जाके डॉक्टर आकिब साहब से पूछिएगा, इसलिए वो इसी डिपार्टमेंट के हैं, अगर एक टूटे नहीं एक बाल के बराबर अगर फ्रैक्चर आ जाए हड्डी में, उंगली पे मान लीजिए आप गिर गए उंगली पे, तो आपको मालूम करना है कि ये टूट गई है या सही है, तो कुछ देर छोड़ दीजिए, शायद मैं समझा पाऊं, कुछ देर छोड़ दीजिए, घंटा आधा घंटा दो घंटे के बाद उस पर सूजन आ जाएगी। जैसे ही सूजन आ जाए और आप ही अपने हाथ से इस उंगली को छूइए तो आपको इतना दर्द शदीद होगा कि खुद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर एक बाल के बारीक फ्रैक्चर भी आ जाए तो इंसान की हालत यह होती है, ना उसे खाना अच्छा लगता है, ना उसे पानी अच्छा लगता है। अरे जब तक कि उस पर प्लास्टर न लगा दिया जाए, अरे जिस्म के किसी भी हिस्से पे प्लास्टर लगाना बड़ा आसान है मगर अगर किसी की पसलियां टूट जाए, अरे 75 या 95 दिन में जहरा इतनी जिस्म की तौर पे घुल चुकी थी कि तनहाली फातिमा का जनाजा ऐसे उठाए हुए थे जैसे किसी बच्चे का जनाजा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ा, बस एक लम्हा और एक मरहला बस आपका और ज़हमत तमाम हो जाएगी। एदादारों ठीक है मैयत बच्चे की भी हो, फिर कम से कम कोई तो हो जो अंदर कब्र से कहे अच्छा लाओ इस बच्चे का जनाजा हमको दे दो। हाय रे गुरबत अली की, हाय रे ये मज़लूमी अली की, तन्हा अली अपने जनाजे शहजादी के जनाजे को लेके आगे बढ़े ना, पर एक मरतबा तारीख ने लिखा दो हाथ कब्र से बरामद हुए, लाओ अली मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। अरे ये मैंने तारीख में एक जगह मंजर और देखा, जिंदान है वहां भी एक अली है, उस अली के हाथ में भी एक 4 साल की बतूल है, वहां भी दो हाथ बरामद हुए, मगर हां मदीने के अली में और जिंदान के अली में एक बहुत बड़ा फर्क है, जो मदीने का अली है ना उसके हाथों में अधिकारियां नहीं है, पांव में बेड़िया नहीं है, मगर जो जिंदान में अली है हाथों में हथकड़िया पांव में बेड़िया। बस जैसे ही सकीना का लाशा लेके बढ़े ना लहर से दो हाथ बरामद हूं, आखिरी जुमला होगा ना दारो पुरता दी लीजिए, मगर मुझे नहीं मालूम आया वो हुसैन के हाथ थे या बाल के कटे सहने। मातम ए ज़हरा,